आज हम एक ब्रांड न्यू फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। यह रेडमी नोट 5 प्रो है, जो कि एक ब्रांड न्यू फ़ोन है। इसको हम कल ही मुझे डिलीवरी हुआ इस फ़ोन को, फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा था इस फ़ोन को। बात करें इस फ़ोन की, तो फ़ोन की जो प्राइस है काफ़ी बढ़िया प्राइस में मुझे मिल गया ऑफ़र के तहत। यह 6 GB रैम और 64 GB रोम वाला वेरियंट है। इस फ़ोन की बात करें तो यह 2018 एडिशन का फ़ोन है। उस समय रेडमी नोट 5 प्रो काफ़ी सेलिंग, काफ़ी बढ़िया प्राइस वाला फ़ोन था। आज हम फ़ोन की इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है। मैं लास्ट में इसकी प्राइस बताऊंगा कि ऑफ़र मुझे कितने का पड़ा। सबसे पहले इस फ़ोन की बात करें तो यह फ़ोन जो है, इसकी बात करें तो इसमें हमें 4 GB और 64 GB वाला दो वाला वेरियंट मिलता है, और एक 6 GB, 128 GB, 64 GB वाला वेरियंट मिलता है। इसके पीछे यही मेंशन किया गया है कि इसे डिस्प्ले, इसकी बैटरी और ये सब। बाकी बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं क्या है। इसकी फ़ोन की बात करें तो इसमें हमें 6 GB रैम और 64 GB रोम। इसकी मेमोरी को 128 GB बढ़ाया जा सकता है। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट सपोर्ट करता है। यह डिस्प्ले फुल HD+ है। इसका स्क्रीन 5.99 इंच का है। हमें बैक कैमरा इसका 5+5 मिलता है। फ्रंट हमें 20 MB का कैमरा मिलता है। दोनों तरफ फ्लैश है, पीछे डुअल टोन, फ्रंट सिंगल। बैटरी 4000 mAh की यह बैटरी है, और यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 पे रन करता है, प्रोसेसर लगा हुआ है। बात करें इस फ़ोन की, फ़ोन का बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स कंटेंट में क्या क्या मिलता है। बात करें फ़ोन अपने टाइम पे बहुत सेलिंग फ़ोन हुआ करता था, क्योंकि उस समय 5 प्रो सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, और यह फ़ोन काफ़ी ऑफ़र के तहत काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया। बाकी इसकी लॉन्चिंग प्राइस करीब 17-18 हज़ार रुपये थी। बात करें इस फ़ोन की, तो फ़ोन का जो है IPS LCD स्क्रीन है। एंड्रॉयड नूगट पे चलता है 7.1.2। बाकी इसमें यह एक रेड कलर का फ़ोन है। बाकी इसे देख लेते हैं, कोई कोई फ़ोन में ओरियो भी आती है। बाकी इसमें देख लेते हैं ओरियो या एंड्रॉयड 7 है या 8 है। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में हमें रेडमी 5 प्रो यही इसमें मेंशन किया गया है, और पीछे एकदम रेड कलर काफ़ी बढ़िया कलर दिख रहा है। रेड कलर 4 रंगों में आता है, रेड, गोल्ड, रोज गोल्ड एंड ब्लैक। बात करें इस फ़ोन में तो वही लिखा हुआ है, कैमरे के बारे में लिखा हुआ है, फ्रंट कैमरे के बारे में लिखा हुआ है, प्रोसेसर बारे में लिखा हुआ है और प्रोसेसर बारे में लिखा हुआ है, स्टिकर में चिपका हुआ है। बाकी बॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले हमें एक और बॉक्स दिखता है, जिसमें हमें यूज़र मेन्यू गाइड और एक ट्रांसपोर्ट केस मिलता है, जो कि ठीक ठाक क्वालिटी है केस की, कवर की। बाकी उसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं दिखे, जैसे इसमें यूजर मेन्यू गाइड मिलता है और इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद हमें एक और अडेप्टर मिलता है देखने में। ये अडेप्टर 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का है। फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन चार्जर्स में हमें 10 वाट का मिलता है, और एक माइक्रो USB केबल मिलती है, USB टाइप। उसके बाद इसी नहीं है, USB टाइप, और हमें एक सिम रिजेक्टर टूल। यही बॉक्स कंटेंट है, यही सब एक्सेसरीज मिलती है। बात करें इस फ़ोन की, तो फ़ोन रेड कलर में काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। नीचे हमें माइक्रो USB माइक, और ऊपर की बात करें तो ऊपर को मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी नहीं, इसके राइट में हमें पावर बटन, वॉल्यूम टॉप अप, लेफ्ट हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिखता है। नीचे में इसमें हमें हाइब्रिड स्लॉट ही है, ये चाहे एक सिम डालो चाहे दो सिम, एक मेमोरी। इसमें दोनों जियो के सिम एक साथ चलते हैं। बात करें इसके नीचे, तो हमें स्पीकर, माइक, 3.5 ऑडियो जैक, ऊपर हमें आयर ब्लास्टर। इसका कैमरा जो है 12+5 MP का है। इससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है दोनों कैमरों से। बाकी इस सॉफ्टवेयर अपडेट से काफ़ी कैमरे में और इम्प्रूवमेंट्स हो जाएगी, क्योंकि फ़ोन 1 साल पुराना मॉडल है, 1.5 साल पुराना मॉडल है। बाकी फ़ोन का जो हार्डवेयर काफ़ी बढ़िया है, फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी ठीक ठाक ही है। बाकी फ़ोन यही है कि यह अपने टाइम पर सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ था। बाकी फ़ोन की बात करें तो इसमें हमें ब्यूटी मोड और भी कई तरह के मोड मिलते हैं कैमरा में, मॉड्यूल में। कैमरे उमरे हम बाद में टेस्ट करेंगे, ये छोटा सा अनबॉक्सिंग पहले। उसके बाद इस फ़ोन की बात करें तो हमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, 1.8 GHz पर रन करता है। इसमें हमें जो फ़ोन है, फ़ोन का जो इसमें 3G, 2G, 4G, वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट ये सब मिलता है। बात करें इस फ़ोन की, तो फ़ोन के अबाउट में जाते हैं। इसका ब्राइटनेस काफ़ी तेज़, इसको कम कर देते हैं पहले। इसका अपडेट आया हुआ है। एंड्रॉयड की बात करें तो इसमें 8.1 दिख रहा है एनी ओरियो। इसमें
MIUI 9.64 है, 6 GB रैम, 64 GB रोम है, जिसमें 50 GB तक खाली मिलता है। यही छोटा मेरा अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू है। बाकी इसकी प्राइस जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा। बाकी ऑफर तरह बहुत बढ़िया फ़ोन प्राइस सस्ते में मिल गया। बाकी प्राइस की अप डाउन होती रहती है।